हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं सेक्शन नंबर सी। और सेक्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, केस बेस्ड स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो एक एक क्वेश्चंस को वन बाय वन करके सॉल्व करते जाते हैं। पहले तो यहाँ पर दे दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर वन में टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड वन दे दिया ए प्लस आई बी और जेड टू दे दिया सी प्लस आई डी। और ये ऐसा कह रहा है कि इसमें ए रियल पार्ट इसके इक्वल है आपस में और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल है। अब इसके बेस पे ही आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कि पहला क्वेश्चन बोला है इफ 3a माइनस 6 प्लस 2ib इक्वल टू माइनस 6b प्लस 6ai आई हो गया, देन द रियल वैल्यू ऑफ a एंड b रिस्पेक्टिवली। तो आप इसके रियल वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, तो ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। सिंपल सा क्या करो ना, दोनों तरफ आपको रियल पार्ट के इक्वल कर दो, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर दो और इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपके आंसर आ जाएंगे a और b दोनों के वैल्यू। जैसे कि मैं आपको सोल्यूशन यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ तो डायरेक्ट ही आंसर लिखा हुआ है, डायरेक्ट ही लिखा हुआ है, बट आप इसको कर सकते हो। मैं यहाँ पर करके भी बता दूँ, थोड़ा आसानी से एक क्वेश्चन कर देता हूँ। देखो तो ये देखो 3a माइनस 6 ये किसके इक्वल हो जा रहा है, माइनस 6b के। और इसको अगर थोड़ा सॉल्व करोगे तो 3a ये माइनस 6b इधर आएगा तो प्लस 6b ए माइनस 6 इधर चला जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो तो ए प्लस 2b इक्वल टू 2 हो जाएगा। और दूसरा वाला क्या बन रहा है, माइनस 2b इक्वल टू 6 प्लस ए, 2b इक्वल टू देखो यहाँ पर 2b इक्वल टू 6 प्लस ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर चाहो तो a को इस तरफ b को इस तरफ कर लो, तो a माइनस 2b इसको इस तरफ किए ना तो ये इस तरफ होगा तो माइनस 6 हो जाएगा। तो ये और ये दोनों को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने पे क्या है, 2a इक्वल टू क्या हो जा रहा है, माइनस 4, तो a इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2। माइनस 2 अगर देखोगे तो सिर्फ a वाले ऑप्शन में है, और नीचे भी आप देखोगे तो पहला ऑप्शन i का पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको देख सकते हो, फिर सेकेंड का b ऑप्शन है, सेकेंड का b ऑप्शन है, थर्ड का आप देखोगे तो ए है, फिर बाद में इसका इनवर्स अगर आप देखोगे तो डी है और इसका है आपका बी। तो थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करके अगर देखेंगे ना तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। पीछे का आप देखो जितना आप प्रैक्टिस किए हो ना, वहां यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करोगे ना तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऊपर जो एक क्वेश्चन जो दिया था ए इक्वल टू बी ए और सी इक्वल टू डी, रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, तो वो तो बीच बीच में काम आएंगे, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा अपने ध्यान रखना। वही केस बेस स्टडी अगर टू की बात करूं तो आपके सामने कम्प्लेक्स नंबर जेड है, प्योरली रियल है, इफ एंड ओनली जेड कंजुगेटेड जेड ही होता है, उसका कंजुगेट भी वही है, इज प्योरली इमेजिनरी इफ एंड ओनली इफ जेड बार इक्वल टू माइनस जेड, ऑब्वियसली। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो एक एक क्वेश्चन को, इफ वन प्लस आई इंटू जेड वन माइनस आई इंटू कंजुगेट जेड देन माइनस आई कंजुगेट क्या होगा, ठीक है। तो सारा कुछ आप यहाँ से सोल्यूशन देख सकते हो, फर्स्ट का बी है, फर्स्ट का ए है, सेकेंड का ए है, आई थिंक थर्ड होगा, यहाँ पे सेकेंड है और ये है थर्ड, तो फोर्थ का ये हो गया क्लियर, और फिफ्थ का ये हो गया। तो इसी तरीके से करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। अब मैं केस बेस्ड स्टडी उतने ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ, तो ये आप थोड़ा सा रिपीट कर लेना, बस आपको आंसर देखो मैं दिखा दे रहा हूँ, वो आपने देख लेना है, ठीक है। ट्राई करोगे तो आंसर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, नहीं समझ में आए तो कमेंट करिए। ये तो मैंने झटपट में बनाया, बाकी तो मैं हर क्वेश्चन को अच्छे से समझा के बताता समय रहता तो, तभी तो ये जो क्वेश्चन अभी तक इतने बताए हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए ताकि आपके जो क्वेश्चन हैं वो अच्छे से बन पाएँ। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। धन्यवाद।